छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के कई गांवों में अदानी फाउंडेशन के सहयोग से महिला उद्यमी बहुउद्देश्य सहकारी समिति ने सैनिटरी पैड के प्रति ग्रामीण महिलाओं को जागरूक किया है। समिति की इस क्रांतिकारी पहल का नतीजा ये हुआ कि सरगुजा के गांव-गांव में अब महिलाएं सैनिटरी पैड के फायदे जानती हैं और समझती भी हैं। सैनिटरी पैड का स्थानीय स्तर पर विनिर्माण और वितरण इकाई इन क्षेत्रों की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। देखिए खास रिपोर्ट में। भारत में खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और किशोर बालिकाओं के बीच मासिक धर्म को लेकर कई सारी भ्रांतियां और समस्याएं देखने को मिलती हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत में मासिक धर्म से लगभग 35 करोड़ महिला प्रभावित हैं। इनमें से 23% किशोर बालिकाएं इस वजह से स्कूल छोड़ देती हैं। ये प्राकृतिक प्रक्रिया अपने साथ कई सारी समस्याएं भी लेकर आती हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ महिलाओं ने इस दिशा में अनोखा प्रयास शुरू किया है। सरगुजा जिले के परसा गांव में अडानी फाउंडेशन के सहयोग से महिला उद्यमी बहुउद्देशीय सहकारी समिति की महिलाओं द्वारा गांव की महिला और पुरुषों को जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं के द्वारा गांव में ही सैनिटरी पैड तैयार किया जाता है, जिससे गांव की महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। इस परियोजना के साथ साथ समिति की महिलाएं ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक भी कर रही हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महिलाओं को माहवारी स्वच्छता के बारे में जागरूक करते हैं। ये मुस्कान पैड सभी महिलाओं को यूज करना चाहिए। आसपास के 85 गांव में इस पैड का उपयोग कर रहे हैं। इस कार्य में अदानी फाउंडेशन सहयोग करती है। मासिक धर्म के दौरान अगर सही से रख रखाव और साफ सफाई का ध्यान न रखा जाए तो कई तरह की गंभीर समस्याएं जन्म ले सकती हैं। लेकिन हमारे समाज में इस गंभीर समस्या के बारे में बात ही नहीं की जाती। इस समस्या से निपटने के लिए सबसे सही उपाय यह होता है कि पैड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए और इसका इस्तेमाल किया जाए। पुराने समय को देखते हुए पहले कपड़ा इस्तेमाल करते थे और जब से अदानी फाउंडेशन के महिला जुड़कर वो मुस्कान पैड बनाना शुरू की है, तब से हम इसी पैड को इस्तेमाल या उपयोग कर रहे हैं और महामारी से भी बचते हैं और गांव में स्वच्छता भी रखते हैं। अदानी फाउंडेशन की पहल काफी कारगर साबित हो रही है। इससे एक ओर जहां ग्रामीण जागरूक हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को स्वरोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। कैमरामैन श्याम पटेल के साथ शिवम मिश्रा की रिपोर्ट। रायपुर में नए साल के जश्न को देखते हुए जिला प्रशासन ने कमर कस ली।